वहीं कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में एक तरफ सियासी पारा सातवां आसमान छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिकों पर जो कार्रवाई की गई है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई FIR के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और LPG गैस के इस्तेमाल को लेकर यह कहा कि फैक्ट्री मालिकों पर हत्या की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। और अग्निकांड ये जो हुआ कानपुर में, अब इसका सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। तो मौत की भट्टी में 6 मजदूर जलकर खाक हो चुके हैं और अब वरिष्ठ अधिवक्ता फैक्ट्री में जो ये घटना घटी इसको लेकर फैक्ट्री मालिकों पर हत्या की धारा में कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हम बिल्कुल गरीब थे, वहाँ बच्चा का छोड़ के चले गए थे, हमें कुछ ना चाहिए, हमें मुआवजा भी ना खेती ना किसानी कुछ ना आते, कुछ नहीं आते ना खेतवा थे, बिल्कुल गरीब थे। तो ये चीख पुकार उन मजदूर के परिवारों का है इस खबर पर। हमारे साथ अनिल पाठक यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरह से ये घटना हुई और घटना में 6 मजदूरों की जलकर मौत हो जाती है और इसके बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गाजर दिखा दिया जाता है। अनिल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ शिवम जी। जी, लेकिन कानपुर देहात की ये घटना है जी, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस पर जो कार्रवाई हुई है वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने जो FIR कराई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का साफ कहना है कि ये हल्की धाराओं में FIR दर्ज कराई है और जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं राकेश सजान वो खुद जो है इसमें गुनहगार जो है उनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो ठीक है अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गौरव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर, मतलब ये कहा जाए कि लीपापोती कर दिया गया है, बेसिकली 6 मजदूरों की मौत हो जाती है मगर FIR के नाम पर तो मतलब ऐसा कर दिया गया कि जैसे तैसे बस निपटा दिया जाए इस मामले को, किसी की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी इसमें? गौरव, बिल्कुल जिस तरीके से पूरी दर्दनाक घटना हुई, 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, पर इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की गई वो लीपापोती वाली हुई, क्योंकि अग्निशमन विभाग के अधिकारी जो कृष्ण कुमार है उन्होंने FIR तो दर्ज कराया, लेकिन जो FIR दर्ज कराया उनमें उन्होंने इस तरीके की चीजों को नहीं रखा, जिस तरीके से वहाँ पर LPG गैस का बड़े पैमाने पर भंडारा था, क्योंकि इस पूरे प्लास्टिक आने को बनाकर सीट बनाई जाती थी और उससे गद्दे बनते थे, तो LPG गैस का इस्तेमाल होता था जो की अति ज्वलनशील है और उसके भंडारण के दरमियान जो सुरक्षा उपकरण थे, सुरक्षा मानक थे, वो बेहद जरूरी थे, क्योंकि वहां पर तमाम मजदूर होते हैं, काम करते हैं, तो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। तो लगातार जब प्रशासनिक अमले के संरक्षण में ये फैक्ट्री चल रही थी तो जाहिर तौर पर उन्होंने बचाव का काम भी किया, जो FIR दर्ज कराई, जो धाराएं उसमें लगाई गई वो इस तरीके की धाराएं थी, वो इस तरीके से साफ लग रहा था कि फैक्ट्री मालिकान को जो सहूलियत है वो प्रदान की गई। अभी इसके लिए कहा कुछ भी जा सकता है कि उनका सहयोग किस रूप में रहा है, अगर इतने लंबे समय तक फैक्ट्री चलती रही तो संदेह की स्थिति जरूर। गौरव, गौरव सवाल ये कि सहूलियत दी क्यों जा रही है, अगर सवाल चाहे विपक्ष खड़ा करे या आम जनता, सवाल तो खड़ा होगा ना कि सहूलियत किस बात का, 6 मजदूर जलकर खाक हो चुके हैं तो सहूलियत किस बात का और कौन, मतलब जवाबदेही किसकी तय होगी और कब होगी? देखिए शिवम, सहूलियत इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि जब मिली भगत के
हिसाब से ये फैक्ट्री चल रही थी, जब प्रशासनिक जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते फैक्ट्री चल रही थी, उन्होंने सोचा होगा कि हादसा नहीं होगा, इतने एक साल से फैक्ट्री चल रही इसी तरीके से चलती रहेगी, एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो संलिप्तता है वो अग्निशमन विभाग के साथ नजर आ रही है। और यही वजह है कि इस एफआईआर के मामले में जो सहूलियत दी गई है वो संलिप्तता को भी तो साफ दर्शाती है, क्योंकि जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी इस पूरे मामले में सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने बताया। ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है इस पूरी घटना में, मतलब कि घटना में छह मजदूर जलकर खाक हो, उनके घर परिवार वालों की चीख पुकार चिगार सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, अनिल जी इसमें क्या साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही और सत्ता का संरक्षण दिखाई दे रहा है? मेरा सीधा सा प्रश्न अनिल जी। देखिए शिवम जी, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने सीधा हमला बोला है, जो की सरकार के कैबिनेट मंत्री है राकेश पचान के ऊपर। राकेश पचान जो है वो कंपनी का चेक जो है वो मृतक के परिजनों को सौंप रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका अपना लगाव जो है वो फैक्ट्री के मालिक से है, तभी तो वो फैक्ट्री के मालिक का चेक जो है हताहत परिवारों को सौंप रहे हैं। और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फायर की बगैर अनुमति के इंडस्ट्रियल एरिया में ये गद्दा फैक्ट्री चल कैसे रही थी? ठीक है, आखिर ये अग्निशमन अधिकारी कर क्या रहे थे? इतने बड़े हादसे के बाद बिल्कुल मंत्री का वहाँ पे जाना, चेक बांटना और तुरंत दो डायरेक्टर की गिरफ्तारी होना, इस बात का संदेश है कि कार्रवाई भी पूरा मैनेज करके कर रही है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गौरव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के।